क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लटर रिएक्ट नेटिव और कॉल्ड इन मल्टी प्लेटफॉर्म जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क ट्रेडिशनल एंड्रॉय डेवलपमेंट को रिप्लेस कर देंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में भी है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे कि क्या ये प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉयड डेवलपर्स की जॉब के लिए थ्रेट है या फिर एक अपॉर्चुनिटी इस वीडियो के अंत तक आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि कैसे अपना कैरियर सिक्योर करना है और क्या क्या सीखना चाहिए Hi everyone, welcome back to आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आजकल हर एंड्रॉयड डेवलपर के माइंड में घूम रहा है क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई है कि कंपनी सोच रही है कि एक ही कोड बेस से एंड्रॉयड और आईओ एस दोनों बनाए सोचो आप एक एंड्रॉयड डेवेल्पर हो और आपको ऑफिस में बोला जा रहा है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट फ्लटर में होगा तो क्या आपका एंड्रॉय का सारा नॉलेज वेस्ट हो जाएगा सच बोलूं तो आजकल मार्केट में हर डेवलपर को यही डर लग रहा है नावाडेज एंड्रॉयड कम्युनिटी में चार कंसर्न चल रहे हैं सबसे पहला है कॉस कटिंग कंपनीज एक ही क्रॉस प्लेटफॉर्म टीम रख के एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों ऐप्स बनाती हैं मतलब अलग से एंड्रॉयड टीम की डिमांड कम होती जा रही है उसके बाद है ट्रेंड ऑफ स्टार्टअप छोटी कंपनीज के लिए एक कोड बेस प्रैक्टिकल है और इस वजह से एंट्री लेवल एंड्रॉइड जॉब्स कम हो रहे हैं फिर आता है लर्निंग कर्व सीनियर एंड्रॉयडर्स को ये लगता है कि न्यू फ्रेमवर्क सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा उसके बाद लास्ट पे है प्रोजेक्ट माइग्रेशन पुराने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स को क्रॉस प्लेटफॉर्म में शिफ्ट किया जा रहा है और इसी वजह से एंड्रॉयड डिवेल्पर्स को फोर्सफुली न्यू फ्रेमवर्क एंड टूल्स सीखने पड़ रहे हैं तो ये थे चार मेन कंसर्न्स जो आजकल एंड्रॉइड कम्युनिटी में चल रहे हैं अब समझ लेते हैं ये फ्रेमवर्क्स एक्चुअल में क्या ऑफर करते हैं सबसे पहले है फ्लटर फ्लटर गूगल का फ्रेमवर्क है जो डार लैंग्वेज यूज करता है इसका अपना रेंडरिंग इंजन है और नेटिव जैसी परफॉर्मेंस देता है कोर्ट रीलोड सिंगल कोड बेस एंड स्ट्रोंग गूगल स्पोर्ट्स आर इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ नेक्स्ट इज रिएक्ट नेटिव ये फेसबुक का बनाया हुआ है और जावा स्क्रिप्ट यूज करते, है। करते हैं इसीलिए वेब डेवलपर्स इजीली स्विच करते हैं मेचोर इकोसिस्टम सिस्टम स्ट्रॉन्ग कम्यूनिटी और बड़े एप्स लाइक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इसे यूज करते हैं उसके बाद है कोडलिन मल्टी प्लेटफॉर्म यानी के एम पी ये सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है क्योंकि ये नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म का हाइब्रिड है इसमें बिजनेस लॉजिक शेयर्ड होता है बट यू आई नेटिव रहता है मतलब एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए लर्निंग कर्व बहुत ईजी है प्लस ये गूगल का ऑफिशियल फ्यूचर डायरेक्शन है तो ये हमने देखा हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स क्या ऑफर करते हैं इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है फ्लटर अगर आप फ्लटर सीखना चाहते हो तो फ्लटर सीखने के लिए एक डिटेल मास्टर क्लास नीट रूट पे ऑलरेडी अवेलेबल है आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो नहीं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर देता हूँ तो नेक्स्ट अब अगर हम बात करें मार्केट की तो फ्लटर की पॉपुलरिटी रेपिडली इंक्रीज हो रही है रिसेंट डेटा के अनुसार फ्लटर का यूजेज 45 परसेंट तक पहुंच गया है और रिएक्ट नेटिव भी 38 परसेंट पे है इनके अलावा गोल्डन मल्टी प्लेटफॉर्म का भी इंडस्ट्री अडोप्शन इंक्रीज हो रहा है फोब्स नेटफ्लिक्स फिलिप्स जैसे इंटरप्रेजेस इसे यूज कर रहे हैं एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2025 तक 65 परसेंट एप्स क्रॉस प्लेटफॉर्म से डेवलप होंगे जबकि 2023 में ये फिगर जस्ट 42 परसेंट था बट इन सब बातों का ये मतलब नहीं है कि एंड्रॉयड डेवलपर्स की डिमांड खत्म हो गई है कुछ जगह नेटिव अनबीटेबल है गेमिंग ए आर हैवी ग्राफिक्स एप्स इसके अलावा कैमरा एंड एम एल बेस्ड एप्स बैंकिंग हेल्थ केयर जैसी हाई सिक्योरिटी एप्स एंड डीप हार्डवेयर इंटीग्रेशन जैसे एन एफ सी ब्लूटूथ क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रगल करता है और इसी वजह से एंड्रॉयडर की डिमांड एंड वैल्यू हमेशा हाई रहेगी एज अ रिजल्ट बस आप इतना समझ लो कि एक इंटरमीडिएट क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर को कभी भी एक एक्सपर्ट एंड्रॉइड डेवलपर से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी यहाँ पर डरने की जगह थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट को आप एक खतरा नहीं एक अपॉर्चुनिटी समझो एक हाइब्रिड डेवलपर बनो जो नेटिव प्लस क्रॉस प्लेटफॉर्म दोनों जानता हो ऐसे आप फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप्स में दोनों एप्स डी करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो मतलब आपका स्किल सेट जितना फ्लैक्सीबल होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी बट ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग ये क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में स्विच करना अपग्रेड करना ये सब बातें तब की हैं जब आप इंटरमीडियट लेवल से एडवांस लेवल के एंड्रॉयड डेवलपर बन रहे होंगे बट उससे पहले आप अपने नेटिव स्किल्स कोल्डिन और जेड पे कम्पोज इनको स्ट्रॉन्ग रखो फिर धीरे धीरे क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट सीखो स्टार्ट विद कोल्डिन मल्टी प्लेटफॉर्म स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाओ फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में भी फिर क्लीन आर्टिटेक्चर एंड एम वी वी एम जैसे स्किल्स स्ट्रॉन्ग करो ये हर जगह ही काम आते हैं इसके बाद अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो और गीटा पे शोकेस करो कम्युनिटीज ज्वाइन करो मीटअप्स अटेंड करो क्योंकि कनेक्शंस करियर ग्रोथ में हेल्प करते हैं तो ये था करियर ग्रोथ के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप एट द एंड मैं यही कहूंगा मार्केट में सबके लिए बहुत प्लेस है आई मीन नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड हाइब्रिड बट द एक्सपर्ट वंस आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, है बस आप इतना समझ लो कि की डेवलपमेंट एकदम डेड नहीं हुआ बस इवॉल्व हो रहा है जैसा कि आप लोग जानते हो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड हो जाती हैं उनकी जगह नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जैसे जावा आउटडेटेड हुई उसकी जगह कोल्डिन आ गई फिर एक्सएमएल की जगह जेट पे कम्पोज तो इसी तरह से अब समझो कि ये डेड नहीं हो रहा बल्कि इवॉल्व हो रहा है और इसमें आप ही का फायदा है प्योर एंड्रॉयड से हाइब्रिड मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट चल रहा है बट जो स्मार्ट डेवलपर्स हैं वो दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट यूज करेंगे क्रिटिकल फीचर्स नेटिव में और सिंपल स्क्रीन क्रॉस प्लेटफॉर्म में अब आपने कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताना है कि आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म एक थ्रेट लग रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी तो भैया एक सक्सेसफुल एंड्रॉयड डेवलपर वही है जो अडाप्ट करें न्यू टूल्स को अपनाएं और दोनों स्किल सेट्स मेंटेन रखें। ये नहीं कि जैसे लास्ट टाइम एआई के साथ हो रहा था कि एआई आपकी जॉब ले जाएगा आपकी जॉब खा जाएगा बात यही थी कि एआई उनकी जॉब खाएगा जो कि एआई को यूज़ नहीं करेंगे सो so, इसी तरह से क्रॉस प्लेटफॉर्म भी उन्हीं की जॉब खाएगा जो इसको अडाप्ट नहीं करेंगे बट यहाँ पर यह है कि अगर आप एक एक्सपर्ट लेवल के एंड्रॉयड डेवलपर हो जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं सारी चीजें आपकी परफेक्ट हैं सारे स्किल्स आपके अपडेटेड हैं तो फिर आपको इससे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है बल्कि ट्राई करो के साथ साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर दो बट एट द एंड बस इतना याद रखो टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहेगी बट अडापटेबल लोग हमेशा सेफ रहेंगे कैसे आप खुद को मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेटेड रख सकते हो कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज ट्रेंड में है और क्या इस एआई आई में में डेवलपमेंट सीखना वर्थ करता भी है या फिर नहीं इस सब के बारे में बात की है मैंने इस वाली वीडियो में यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो धन्यवाद